साथ मैं हूं समन नसीर और मैं हूं अरूज फकर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मुत्तफिका करारदार मंजूर। फलस्तीनी जख्मियों का पाकिस्तान में इलाज। तलबा को कॉलेज में दाखिले देंगे। वज़ीरे आज़म ने कहा आलम इस्लाम हनिया की शहादत पर अश्कबार है। इसराइल ने गजा में 40,000 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया। सेहोनी रियासत को इंसाफ के लिए कटहरे में लाया जाएगा। मारवाई अदालत कत्ल और हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता हूँ। मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। OIC को मजीद मजबूत करना पड़ेगा। हुकूमतें OIC का एक भी इजलास न बुला सकी। बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा इसराइल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बैरिस्टर गोहर का पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियां रोकने का फैसला। फलस्तीन में कत्लेआम जारी। बच्चे शहीद किए जा रहे हैं। इंसानी हकूक के अलमदार इसराइली पुश्त पनाही कर रहे हैं। कहाँ है इस्लामी काउंसिल? राजा परवेज अशरफ का सवाल। कहा दुनिया को मैसेज देने से पहले हमें अपना घर ठीक करना होगा। जनाब वज़ीर आज़म खुदा के लिए डायलॉग करें, अपना मुल्क बचाएं। मौलाना गफूर हैदरी की भी इस्माइल हनिया की शहादत की मजम्मत। इसराइल की खुली दहशतगर्दी, अमरीका फिर भी हामी। जो बाइडन का नतन्याहू को फोन। इसराइल की हिफाजत की यकीन दहानी। अमरीकी फोर्स तैनात करने पर भी बातचीत। इसराइल को मजीद इमदाद दी जाएगी। इसराइल वज़ीर आज़म ने कहा हमला करने वाला भारी कीमत चुकाएगा। तुर्क सदर और अमरीकी हम मनसब जो बाइडन का रबता। हनिया के कत्ल से जनबंदी की कोशिश को धक्का लगा है। इसराइल पूरे खत्ते में बदअमनी की आग फैलाना चाहता है। एंटोनी लिंकन का सऊदी अरब और UAE के वज़ीरे खारजा से रबता। तनाजात फैलने से रोकने के लिए इकदाम करने पर तबादला ख्याल। स्टूडियो से मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV सब पे नजर, अंदर की खबर।